हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 5 ऑफ महाराष्ट्र राइड। अभी मैं जलगांव से निकला हूँ और हम लोग मलकापुर जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप। तो पहला स्टॉप मेरा भुसावळ होगा, जो यहाँ से 26 किलोमीटर है। तो मॉर्निंग का टाइम है अभी 9:15 बजे, तो ट्राई करेंगे कि 10:30 बजे तक या 11 के पहले थोड़ा भुसावळ पहुँच जाए। और आज नाश्ते का कोई टेंशन नहीं, मैंने भर भर के केला लिए, तो बीच बीच में हम लोग वो खा सकते हैं। जाके सांस में सांस आई, नहीं तो धूल ही आ रहा था सारा। अभी निकल जाए, अच्छा स्पीड मिल रहा है, 22 का स्पीड मिल रहा है, 1 घंटा मस्त चलाएंगे अभी। ये नेशनल हाईवे है, कैसे आपको लग रहा है? मुझे तो नेशनल खड्डे लग रहे हैं। अभी जाके अच्छा रोड दिख रहा है और वहाँ सब आजू में क्या बोलते हैं, सर्विस रोड भी है, तो मस्ते इसमें से जाएंगे अभी। आप हवा में पोल्यूशन देख रहे हो, ये तो सूरज भी ढक गया है वो पोल्यूशन से। मेरे लिए अच्छा ऐसा ही रहे, पर मेरा लंग्स फूट के बाहर आ जाएगा अभी इतना पोल्यूशन से। फिफ्टीन किलोमीटर साइकिल चला के हो गया है, अभी थोड़ा टाइम इधर 10-15 मिनट रुकते हैं, फिर आगे के 15 किलोमीटर्स करेंगे। अभी 1-2 केला खा ले तो। मस्त ठंडा हवा निकले अभी, ऐसा क्लाइमेट रहेगा ना मैं पूरे दिन भी चला सकता हूँ। अभी पकड़ना पड़ेगा स्पीड, सामने पहाड़ के ऊपर जाना है। स्पीड पकड़ के भी क्या फायदा, ऊपर चढ़ाना ही पड़ रहा है। थर्टी किलोमीटर साइकिल चला के हो गए, अभी रुक के थोड़ा मैं केला बाकी वो खाता हूँ, फिर आगे निकलेंगे। इधर से और 60 किलोमीटर है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, और रोड भी सीधा ही है तो अच्छा है। भुसावळ भी हो गया, नेक्स्ट स्टॉप है वरण गाँव। इतना भूख लगा है ना, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अभी 6 का 6 केला मैं ख़त्म किया तो भी भूख लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉप है वरण गाँव, जो यहाँ से 20 किलोमीटर है, जाते उधर धीरे धीरे। पकड़ लिया रे इसको बाबा। तो सब जगह ना वन वे करके रखा है, और रोड भी इतना बड़ा नहीं है कि 2 गाड़ियाँ जा सके। पूरा रोड का काम चालू है, और जो धूल है ना हवा में, क्या बोलूँ आपको। और ट्रक्स वगैरह भी है ना, उन लोग तो व्यू से कभी निकला ही नहीं लगता है, पीछे से जो काला काला धुआं निकल रहा है। Thank you.
आधे घंटे से पानी का बॉटल ढूंढ रहा था, अब भी जाके मिला है। वाट लगे हाईवे पे इतना काम चालू है ना, कुछ वैसे आजू बाजू जो शॉप होता है वो आधे से ज़्यादा उड़ गए, तो कुछ है ही नहीं बीच में। क्या है यार, हर जगह कुछ ना कुछ जलाया हुआ है खेत में, इधर भी कुछ ना कुछ जल रहा है, मतलब हवा कम धुआं ही ज़्यादा है। बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि हाथ में गोप्रो मत रख, मतलब हेलमेट पे रखा या फिर हैंडल पे कुछ अरेंजमेंट कर, नहीं तो तेरा पकड़ पकड़ के कितना पकड़ेगा। तो मैं आपको एक बोल दूँ, मैंने गोप्रो स्टिक रखने के लिए देखो ऐसे इधर अरेंजमेंट करके रखा है, इसके ऊपर गोप्रो लगाता हूँ मैं, और मोबाइल के लिए भी इधर साइड में है, और मोबाइल चार्जिंग के लिए ये देखो जेब में मैंने पावर बैंक रखा है, उससे डायरेक्टली चार्ज होते रहता है। रात को एक्चुअली मतलब रूम का भाड़ा और खाना खा के अराउंड 1100 वगैरह ऐसा कॉस्टिंग हो जाता है, 1100 या 1200, पर दिन भर में मेरा कितना खर्चा होता है ये बहुत कम है, बिकॉज पानी में 60-80 रुपीज़ चला जाता है और 20 रुपीज़ की एक बॉटल, तो 3 या 4 बॉटल दिन भर में साइकिलिंग के दौरान हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खाया तो मतलब अगर बनाने लिया तो 10 रुपीज़ में आज सुबह मुझे 6 केला मिल गया, तो वो दो बजे तक वो चल जाता है। फिर अगर भूख लगाई तो बीच में कुछ खा लेता उसका 50-60 रुपीज़, सो मैक्सिमम डेली का मेरा पूरा दिन में खाने का और सब 150 मैक्सिमम 200 तक हो जाता है। वरण गांव में आ गए हम लोग, पर हमें जाना है 10 किलोमीटर और आगे, फिर जाके लंच करेंगे। आ गए दरियापुर, आ गए दरियापुर, मलकापुर यहाँ से 41 किलोमीटर। मैंने डिसाइड किया कि आधे घंटे के बाद मतलब आधा घंटा साइकिल चला के बाद में खाने के लिए रुकना है, इसलिए पानी भी मैं मस्त पी रहा हूँ दवा के, पर बोल नहीं सकते क्योंकि इसके पहले मैंने रोड्स देखे 30-30, 40-40 किलोमीटर तक एक दुकान नहीं मिला है मुझे, तो थोड़ा पानी में ऐसा रिजर्व में ही रखता हूँ कि ये ख़त्म नहीं करना है। तो भी ये हाईवे तो एक दो ढाबे दिख ही जा रहे हैं, पर बोल नहीं सकते। ये देखो इधर से सर्विस रोड जा रहा है और ये मेन हाईवे, मुझे क्या लेना चाहिए, सब लोग बोलेंगे कि सर्विस रोड, पर मैं हाईवे प्रीफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो इधर ना पार्किंग लेन है और उसमें कोई गाड़ी आने का खतरा ही नहीं रहता, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। सर्विस रोड पे क्या होता है, दोनों साइड से गाड़ी आ जाती है तो वो देखते नहीं, और बाजू में उधर जगह भी नहीं है साइकिल सेपरेटली अलग चलाने के लिए, तो दिस इज़ बेटर। इधर मुझे होटल फ्लोरा दिख रहा है, इधर जाते हैं क्योंकि आगे रोड एकदम बेकार है, मुझे पता नहीं आगे होटल होगा कि नहीं होगा, मिल गया तो खा लेते। खा के हो गए, और यहाँ से मैंने होटल जो डिसाइड किया है मलकापुर में, डिसाइड मतलब आजू बाजू बहुत होटल है पर मैंने एक पर्टिकुलर देख के गया है वो 34 किलोमीटर है, तो आज के दिन हमारा 500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अभी धूप इतना पड़ा है ना, क्या बोलो आप।
कभी भी आप ब्रिज चढ़ाओगे ना और आपके पास इतना जगह है तो ऐसे zigzag करके चढ़ाना, बहुत इजी पड़ेगा चढ़ाने के लिए। अभी हम लोग आए हैं मुक्ताई नगर, इधर से आगे अभी मलकापुर है और 30 किलोमीटर्स। बाकी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना, आज बिल्कुल ज़्यादा कुछ तकलीफ हुई नहीं है। ऑब्वियसली मैंने 10 किलोमीटर कम ही चला है, मतलब 90 किलोमीटर ही आज कर रहा हूँ, फिर भी मेरा 500 का गोल तो पांचवे दिन कंप्लीट हो रहा है। मलकापुर ये नाम की सही हिस्ट्री है, 13th सेंचुरी में कोई तो इन्वेडर आया था जो इधर का राजा था, तो उसने शहर बसाया था, बेसिकली उसने बिल्ड किया है शहर को, तो तभी कुछ तो नाम देना था, तभी उसने अपने बेटी का नाम इस शहर को दे दिया, मतलब उसके बेटी का नाम था मलिका, मलाइका मलिका जो भी आप बोल सकते, तो उसके ऊपर से ये सिटी का नाम हो गया मलकापुर। क्या बात है, वही मैं सोचूं कि मेरा वीडियो विदाउट प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, ये लो धूल का वातावरण। हमारे मराठी में ना बोलते हैं माती खालीस, माती खालीस में कोई तो प्रॉब्लम करके आया है, तो अगर आप पुण्य का काम भी करके आए हो और ये एरिया से जा रहे हो तो भी तुम्हें माती खालीस। मलकापुर आने में और 3 किलोमीटर बाकी है, पर हम लोग विदर्भ में ऑफिशियली एंट्री कर रहे हैं, बुलढाणा जिला जो आता है वो विदर्भ के अंदर आता है, सो ऑफिशियली वी आर इन विदर्भ। फाइनली जाकर रूम पे आ गया हूँ, ये रूम मुझे 600 रुपीज़ में पड़ा और पूरे दिन में मेरा जो खर्चा हुआ है वो 200 रुपीज़ है, सो 800 रुपीज़ इन टोटल। एंड डिनर हम लोग ट्राई करेंगे कि 200 के अंदर ही हो या ऊपर नीचे भी हुआ तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 की रेंज में ही है। सो ये दिन मेरा बहुत अच्छा गया है, मतलब ट्रैवलिंग भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्लस मतलब 1000 के नीचे हुआ है तो एकदम प्रॉपर है। आज का दिन 500 किलोमीटर हम लोग का करके कंप्लीट हुआ है, सो बिग थैंक्स टू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। 500 किलोमीटर इज नॉट अ क्या बोलते छोटी चीज़ नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो में मैंने ज़्यादा मतलब गधा मजूर भी किया नहीं है, सीधा सीधा चलते गया, सो जो सोचा दिमाग में आया वही बात किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को वीडियो रिकमेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि YouTube फैमिली ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।